जिस तरह अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना कुफ्र है, इसी तरह अल्लाह के कहर व गजब से निडर हो जाना, अल्लाह के इंतकाम से निडर हो जाना, अल्लाह के जलाल से निडर हो जाना, यह भी कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान खौफ और रजा दोनों हालतों के बीच की हालत का नाम। मुसलमान वो है जो अल्लाह से उसके कहर व गजब से डरता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमेशा पुरउम्मीद रहता है। दोनों भी होना चाहिए, रहमत से उम्मीद भी होना, खैर व गजब से खौफ भी होना। अल्लाह से डरता ही नहीं, अल्लाह अजाब पहुंचाएगा नहीं, देगा नहीं, ये कुफ्र है। और मैं इतने गुनाह किया हूं, अब बख्शने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये भी कुफ्र है। याद रखें, खाली ये आयत याद रख लेते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र है, अल्लाह के खैर व गजब से उसके अजाब से निडर हो जाना, बेखौफ हो जाना, आमिन हो जाना भी कुफ्र है। दोनों पहलू, मारिफत की हवा में उड़ने को, ऐनियत गैरियत दो पर होना।